हेलो, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका पेपर 8 जनवरी को है, तो आपकी तैयारियां इस समय फाइनल फेज़ में चल रही होंगी और दिसंबर से आप लोगों का रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट करना है, क्योंकि दिसंबर के टाइम पे आप कुछ नया ना ही पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो जो चीज़ आपने पुरानी पढ़ी हैं उसका रिवीजन करिए और फाइनल पेपर के अंदर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी आप पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं उसको लास्ट के 1 मंथ में अच्छे से रिवाइज करिए, और वो रिवीजन के साथ साथ टेस्टिंग भी करिए। टेस्टिंग कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट देके, जाहिर सी बात है। तो आपका सिंपल सा एक काम होना चाहिए, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो जाहिर सी बात है, रिवीजन आप लोग कैसे करेंगे? जो भी आपका पुराना मटेरियल है, जो भी आप पिछले 4-5 महीनों से, 3 महीनों से, जो भी आप टाइम से तैयारी कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए और एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ताकि आपको पता तो लगे कि आपकी कमी कहाँ है। जैसे आपको कमी पता लगेगी, उस टॉपिक को आप दोबारा से अच्छे से रिवाइज़ करिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो हमारी ऐप टारगेट लर्निंग 5 को डाउनलोड कीजिए और उस पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आप परचेस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन से प्राइस में है, बहुत ही सस्ते में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें आपको 10 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऑनलाइन है, और उसको आप दीजिए। और 10 मॉक टेस्ट पेपर में आपके 1250 क्वेश्चन होंगे। एक पेपर में आपके कितने होते हैं? 125 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मॉक टेस्ट पेपर में आपके कितने होंगे? 1250। तो 1250 क्वेश्चन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे होगा और आप पेपर को काफ़ी अच्छे से दे पाएंगे और आप अपने मार्क्स को इनक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ पहले ही रेक्टिफाई कर चुके होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारियाँ बहुत अच्छे स्विंग में जा रही होंगी। तो फ्यूचर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।